ऑटो रिक्शा में बैठी महिला से फोन छीनकर भागने वाले बाइक सवार नाबालिगों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इन पर जबरी मोबाइल चोरी सहित वाहन चोरी के भी कई मामले सामने आए। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार को करीब 9:30 बजे के दरमियान शिकायतकर्ता महिला नबीला उमेर शेख ऑटो रिक्शा में बैठकर फोन पर बात करते हुए अपने कार्यस्थल रामदासपेट जा रही थी। इसी बीच एक काले रंग के दुपहिया वाहन पर सवार दो नाबालिग युवकों ने महिला से उसका फोन छीन लिया और तुरंत ही फरार हो गए। जब महिला ने मामले की शिकायत पांचपावली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई तो पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और उन्हें सीसीटीवी फुटेज की मदद से दो नाबालिग आरोपियों का पता चला। जब पुलिस ने नाबालिगों को गिरफ्तार किया तो इन पर बाइक चोरी के 5 मामलों का खुलासा हुआ, जिनमें पांचपावली, शांतिनगर, अंबाजरी सदर और तहसील क्षेत्र से चुराए गए 5 वाहन पुलिस द्वारा जब्त किए गए। साथ ही साथ शिकायतकर्ता महिला से चुराए गए 15,000 की ओप्पो कंपनी का मोबाइल सहित करीबन 2,50,000 रुपए का माल पुलिस ने आरोपियों के पास से जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इन नाबालिग आरोपियों का एक साथी नाबालिग फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सहरसा 23 बजे सकाळी 9 वाजता दरम्यान खालसा गेट जवळ फिर्यादी श्रीमती नबीला उमेर शेख व 19 वर्ष राहना दीक्षित नगर या रामदास पेट या ठिकाणी ऑटो रिक्षा मध्ये बसून जात असताना रिक्षात बसून असताना त्या आपल्या फोनवर बोलत होत्या। त्याच वेळी दोन संघर्षग्रस्त बालक त्या ठिकाणी आले व त्यांनी फिर्यादीच्या हातातला मोबाईल एक्सप्लोर त्या ठिकाणाहून आपल्या बाईकवरून ते पळून गेले। अशा पद्धतीची तक्रार पोलिसांना प्राप्त झाली पाचपावलीला। त्यावरून आम्ही 2 अनोळखी आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला। त्यानंतर CCTV फुटेज आणि तांत्रिक मदत याच्या सहाय्याने आम्ही शोध घेतला असता 2 अल्पवयीन मुले मिळून आले। तर त्या मुलांकडे अधिक तपास केला असता त्यांनी सदरचा गुन्हा स्वतः केल्याची कबुली दिली। दोन्ही मुलाकडून एक मोबाईल, फिर्यादीचा मोबाईल आणि त्यांनी गुन्ह्यात वापरलेलं वाहन जप्त करण्यात आलं आहे। तसेच अल्पवयीन मुलांकडे अधिक सखोल चौकशी केली असता त्यांनी पोलीस स्टेशन सदर, पोलीस स्टेशन अंबाझरी, पोलीस स्टेशन शांतीनगर आणि कळमना या 4 ठिकाणी बाईक चोरी केल्याचं त्यांनी कबुली दिली आणि त्या ठिकाणच्या बाईक आम्ही त्यांच्याकडून हस्तगत केलेल्या आहेत। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।